हेलो भाई लोगों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो भाई आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैंसी टेक्स्ट जनरेटर वाली स्क्रिप्ट के बारे में, जिसमें हम ऑलरेडी मैं एक वीडियो जो है वो बना चुका था और उसपे मैंने ये बोला भी था हुआ था कि अगर आप बहुत सारे लोग जो है ये बोलोगे कि भाई फैंसी टेक्स्ट जनरेटर की मेरे को स्क्रिप्ट चाहिए, तो मैंने जो है वो स्क्रिप्ट बिल्कुल तैयार कर दी है। ये आपके लिए बिल्कुल खुशखबरी वाली बात है। और स्क्रिप्ट जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं भाई। इतनी छोटी मोटी स्क्रिप्ट तो क्या अपना आपका भाई जो है बना के देता ही रहेगा इस चैनल पे। मैंने बोला भी हुआ था कि काफी कुछ जो है बेसिक लेवल स्क्रिप्ट जो है वो मैं अपने सब्सक्राइबर को देता रहूंगा। तो यार आप देखो, मैं इतनी बढ़िया बढ़िया जो स्क्रिप्ट है जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा मैं ला रहा हूँ, तो थोड़ा भाई चैनल पे सपोर्ट दिखाया करो। वीडियो अच्छी लगा करे, बहुत सारे लोग जो है वो वीडियो देखते तो हैं बट लाइक नहीं करते, तो भाई लाइक करा करो, कमेंट करा करो। इसी से ही भाई क्या है, थोड़ा चैनल को सपोर्ट मिलेगा और जब आप सपोर्ट करते हो तो भाई मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। इसीलिए क्या है, मैं डेली एक वीडियो डाल पाता हूँ। आप जानते हो यार, इसमें कोई मैं फेसबुक ये यूट्यूब पे कोई पैसे वैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यूट्यूब पे सिर्फ बस ऐसे ही आ गया हूँ। मेरे को मजा आ रहा है वीडियो वगैरह बनाने में और अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर करने। पैसे कमाने के लिए मेरे पास और भी बहुत रास्ते हैं, उनके थ्रू मैं पैसे कमाता हूँ। यूट्यूब पे भी मेरा कोई दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरे को पैसे कमाने हैं, कुछ कुछ करना है। अभी मैं सिर्फ आपके साथ बस एक तरीके की एक अंडरस्टैंडिंग बनाने आया हूँ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर एक मैं बस एक तरीके से मैं क्या है कि मैं एक सोशलाइज दोस्त बनाने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी सब्सक्राइबर हो मेरे एज अ मेरे फ्रेंड के तरीके रहे, जो भी हम लोग हैं आपस में पॉजिटिविटी फैलाएं जितना ज्यादा हो सके। कोई निगेटिविटी की कोई चीज में नहीं रखना चाहता हूँ। इसीलिए मैं क्या है कि भाई जो भी है ये छोटी मोटी स्क्रिप्ट जो है ये फैंसी टेस्ट या फोन जनरेटर वाली, यार इतना सब तो आपका भाई जो है ना वो 2-3 घंटे में स्क्रिप्ट बन के तैयार हो जाती है। तो वो मैंने इसमें बोला भी हुआ था कि यार मैं दूंगा, काफी सारे लोग जो है वो मांग रहे थे, तो मैंने सोचा चलो यार आज थोड़ा टाइम लगा करके मैं बना ही देता हूँ। इसीलिए मैंने कम्युनिटी टैब में जो है वो फैंसी टेक्स्ट जनरेटर के बारे में चीजें डाली भी थी कि भाई या तो भाई आज वीडियो आ जाएगा या तो कल वीडियो आ जाएगा। मेरे पास समय था यार, चलो भाई मैंने सोचा चलो भाई आज ही वीडियो जो है वो बना करके आपको दे देते हैं, आप ज्यादा वेट आपको नहीं कराते हैं। तो जो स्क्रिप्ट है वो मैंने गूगल ड्राइव में डाल दी गई है, उसको लिंक को मैंने यहाँ पर ये देखो शेयर कर दिया। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी आप वीडियो पूरा देखना क्योंकि इस स्क्रिप्ट को मैं ब्लॉगर पे भी बताऊंगा कैसे आप चलाओगे जा करके और कैसे आप नॉर्मल एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल पर भी सिंपल आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बना करके भी, मान लो आपकी कोई डोमेन की वेबसाइट या कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट हो, तो सिंपल आप एक ये सिंपल एक पेज की का ये इंडेक्स वाली फाइल है वो डायरेक्टली आपको डाउनलोड हो जाएगी, उसको आप अपनी वेबसाइट के सब डोमेन पर डाल सकते हो और ये बिल्कुल वर्किंग जो है वो लेके जा करके। तो चलो भाई चलते हैं भाई, इसको थोड़ा सा मैं एक्शन पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जाओगे, जो भी ये लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे आप जाओगे। जैसे ही यहाँ पे आप मतलब मैं इसको खोलता हूँ यहाँ पर, तो ये जो स्क्रिप्ट है ये आपको ड्राइव में मिल जाएगी। फाइल जो है वो डाउनलोडेबल पे है, डायरेक्ट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है वही आपको मिल जाएगी। मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे ही कॉपी करने का भी सारा कोड कर दिया है, सारा जो भी जितना भी कोड है वो सारा एक ही जगह पर डाल दिया है। और जो बूट स्ट्रैप वगैरह में थोड़ी डिजाइन, जिसको बूट स्ट्रैप आती होगी, बढ़िया रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकता है। बूट स्ट्रैप की लाइब्रेरी वगैरह भी इस पर लगी हुई है सब कुछ। अब आप इसे चाहो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो पूरी, और चाहो तो यहाँ से जाकर के फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। पहले मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप इस फाइल को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में, डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे, आपकी वेबसाइट जो ये स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल रनिंग कंडीशन पे आपको दिख जाएगी। मैं अभी अपने फोल्डर पे चलता हूँ आपको और डाउनलोड वाले के अंदर ही डबल क्लिक करके दिखाता हूँ इसको एक्शन पे, और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि ब्लॉगर पे कैसे इसको चला लोगे। तो भाई पूरा वीडियो देखना, मस्त वीडियो है। और भाई जैसा बोला था भाई कि फ्री वाली बात, तो वो मैंने फ्री आपको दे रहा हूँ। उस वीडियो मैंने बोले थे कि भाई आपको फ्री दे दूंगा, ये सब छोटी मोटी चीज़ें इसमें क्या मतलब कि मैं करूँ। तो ये जो चीज़ है ये है देखो, बिल्कुल वर्किंग, बिल्कुल बेसिक टाइप की स्क्रिप्ट है बट बिल्कुल वर्किंग है, हर फंक्शनलिटी इसमें वर्क कर रही है। थोड़ा सा आपको क्या है इसमें नीचे जो है वो कॉन्टेंट लिखना होगा। थोड़ा सा मैं रैंकिंग के बारे में भी बात करूंगा, कैसे आप इस तरीके की वेबसाइट की जो है रैंकिंग वो इम्प्रूव कर सकते हो। तो पूरा वीडियो देखना तभी आपको कहानी जो है वो समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं कि सीधे गए स्क्रिप्ट कॉपी करी और लग गए, बात सुनना भी जरूरी होती है, तभी आपको जो है इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से आपके दिमाग में जाएगी, आप चीजों को समझोगे। तो ये भाई स्क्रिप्ट थी, थोड़ा सा वर्किंग में दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं मान लो इसमें टाइप करता हूँ नाम रोहित कुमार, तो आप देख रहे हो ना ये नीचे फॉन्ट जो इसके जनरेट होते चले जा रहे हैं। प्लस इसमें ये भी फीचर आपको मिल रहा है इस स्क्रिप्ट में फ्री वाले में, जैसे ही मैं यहाँ पे लोड मोड करूंगा तो और जो रैंडमाइज फॉन्ट होकर के यहाँ पर जो है वो जनरेट हो जाते हैं। जिस भाई ने भी देखो पहला वीडियो नहीं देखा है फैंसी जो मैंने बनाया था फैंसी, वो देख लेना, उसमें भी काफी गजब की इन्फॉर्मेशन है, काफी अच्छा सपोर्ट मिला आप लोगों का, तो इसको भी देख लेना। काफी कुछ आपको ये किस तरीके की वेबसाइट होती है, कितना ट्राफिक आता है, कितनी कमाई कर सकते हो, वो आपको नॉलेज यहाँ से मिल जाएगी। इसको आप दूसरा पार्ट के तरीके देख लेना इस वीडियो को, और यहाँ पर आपका जो भी फॉन्ट है वो देखो सब जनरेट होता चला जा रहा है। लोड जैसे ही लोड मोर पे क्लिक करोगे और रैंडमाइज होकर के फॉन्ट जनरेट होते जा रहे हैं, कुछ इमोजी लगे हैं, कुछ लगा है। अब मान लो मेरे को ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है तो मैंने कॉपी का बटन भी इंक्लूड कर दिया। जैसे ही आप कॉपी पे बटन पे क्लिक करोगे, देख लो ये कॉपी हो जाएगा। मैं इसको पेस्ट करके दिखाता हूँ, मैंने मेरे क्लिप बोर्ड में कॉपी हो गया और मैं इसको जाता हूँ यहाँ पर पेस्ट करूंगा, तो आप देखोगे
वो जो चीज है थोड़ा सा समय ले रहा है पेस्ट होने में, देख रहे हैं आप यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। तो ऐसे करके ये जो है, ये जो भी आप चीजें यहाँ से कॉपी करोगे सब पूरा बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में चल रही है। एक पेज की ही स्क्रिप्ट है, कोई आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो है वो अपने रूट फोल्डर में नहीं डालनी। बस ये इंडेक्स, मैंने आपके सामने देखो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल डाउनलोड पे डबल क्लिक करो और देखो वर्किंग कंडीशन में मेरे लोकल पेज ही चल रही है। तो ऐसे ही आप इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल को अपने सर्वर पर डाल सकते हो। अब हम बात करते हैं भाई ब्लॉगर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ब्लॉगर पे कैसे चलाओगे इसको ना। तो ब्लॉगर में कुछ नहीं करना, आप जाना इसको, इस फाइल को किसी भी एडिटर में ओपन कर लेना। मान लो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, चलो मैं ओपन क्या करना है यार, मैं यहाँ से डायरेक्ट सोर्स कोड ही कॉपी कर लेता हूँ ना। यहाँ पे मैं गया, मैंने इसको यहाँ पे करा व्यू सोर्स कोड, और आप या तो नोटपैड में ओपन कर लेना, आपको सारा कोड जो है इस स्क्रिप्ट का मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे सारा कोड आ रहा, मैंने सारे कोड को ऐसे करके कंट्रोल ए करा और कंट्रोल सी कॉपी करा। अब मैं चलता हूँ भाई ब्लॉगर पे, और वीडियो देखना, मैं रैंकिंग के बारे में भी कुछ टिप्स दूंगा कैसे इस तरीके की वेबसाइट को आप रैंक करा सकते हो, कैसे जनरली लोग जो है वो रैंक कराते हैं। और कुछ महानुभाव तो हैं यार वो पुराने वाले वीडियो पे ये भी कमेंट मार रहे हैं कि भाई मैं कॉपी कैट हूँ, तो भाई ठीक है भाई होगा मैं कॉपी कैट ना, तो कॉपी वॉपी कैट वाला मुझे नहीं लग रहा है कि जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ वैसे कोई वीडियो बना रहा होगा इस तरीके की। इतनी डीप लेवल में प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन देने को करता हूँ। और मेरे काफी सारे केस स्टडी की वीडियो में आपको ऐसे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे जिसके बारे में किसी ने यूट्यूब पे बात ही नहीं करी। उसके बाद भी भाई कुछ बंदे हैं जो कमेंट करते हैं भाई कि मैं कॉपी कैट हूँ, पता नहीं किसकी कॉपी कैट हूँ भाई, मैं मेरे को समझ नहीं आता। जब मैं पूछता हूँ भाई किसकी कॉपी कैट हूँ तो बताते भी नहीं है। तो चलो भाई यहाँ पे मैं चलता हूँ यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर डाला क्रिएट न्यू ब्लॉक पे, ठीक है। और न्यू ब्लॉक में मैं बिल्कुल नया एक ब्लॉक सेटअप करता हूँ, मैंने इसका नाम रखा फैंसी फॉन्ट जनरेटर। डिजाइनिंग यार देखो आपको करनी पड़ेगी, हालांकि मैंने बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी वगैरह जो है वो इसमें सब सेट कर दी हुई है, आपको ये रिस्पॉन्सिव भी मिल जाएगी मेरे हिसाब से। अगर मैं छोटा करूंगा तो देख रहा हूँ ये छोटी भी होती चली जा रही है, अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ देख रहा हूँ ये पूरा रिस्पॉन्सिव है इसका मतलब, क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी लगा ली तो रिस्पॉन्सिव देखो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो चीज कोई कट रही हो, जैसे आप का ब्राउजर छोटा होगा तो ये छोटी होती जा रही है ना। और देखो यहाँ पे कॉपी चल रहा, तो ये बेसिक लेवी की स्क्रिप्ट है। जैसे आपने आईजी फॉन्ट वाली वेबसाइट नहीं देखी, बिल्कुल बेसिक वेबसाइट है, जहां ट्राफिक आता है। तो अगर आप इस वेबसाइट को भी ले करके इसमें कंटेंट वगैरह लिख दोगे जाके नॉर्मल एडिटर में ओपन करके, तो मेरे हिसाब से ठीक है, आप इसे भी रैंक करा सकते हो। चीज की वेबसाइट है, देखो रैंक कराना तो देखो आपके ऊपर है यार, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी रैंक कराने के लिए। मेरे को स्क्रिप्ट देनी थी, मैंने स्क्रिप्ट देने के लिए बोला था, तो और मैं कुछ आपको टिप्स भी दे दूंगा कि कैसे जो है वो आप वेबसाइट को रैंक करा सकते हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम कर रहे थे भाई ब्लॉगर में कैसे बनाते हैं फैंसी फॉन्ट जनरेटर। यहाँ पे गए, मैंने एक नेम क्रिएट कर लिया फैंसी फॉन्ट जनरेटर, और मैंने यहाँ पे कर दिया भाई 111 कि हो सकता है ना मिले ना, तो यहाँ पे ऐसे मैंने कर दिया। आप देख चेक कर रहा है ये है, ये अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे कर दिया भाई बेसिक थीम को सेलेक्ट करके क्रिएट ब्लॉग। अब आप देखोगे तो ये जो मेरा ब्लॉग है ये जो है वो क्रिएट हो गया होगा सिंपली। और थोड़ा सा यार नेट स्लो चल रहा है यार, पता नहीं यहाँ पे मैंने कंप्लेन तो करी हुई है ना, बट पता नहीं क्या है यार नेटवर्क स्लो चल रहा है काफी, तो थोड़ा सा चीजें थोड़ी स्लो होंगी। अब मैं यहाँ पे गया सेटिंग के अंदर, आपको जाना सेटिंग में नहीं थीम पे आपको जाना है। और थीम में जाने के बाद वही जैसा मैंने कई सारे टूल में बताया हुआ है, थीम में जाने के बाद आप नीचे तब नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा रिवर्ट टू क्लासिक थीम, रिवर्ट टू क्लासिक थीम पे गए, फिर इसके नीचे मिलेगा रिवर्ट टू क्लासिक थीम, उस पर क्लिक कर दो भाई। और क्लिक करने के बाद ये आपके पूरी थीम का जो सोर्स कोड है वो खुल जाता है, पूरा जो इंडेक्स वाली फाइल का जो कोड था उसको यहाँ से रिप्लेस करा दो जो हमने कॉपी किया था, दोबारा कॉपी करना पड़ेगा यहाँ पर। ये हमने फाइल जो थी इसका हमने कॉपी करा ये सोर्स कोड, और हमने यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट। थोड़ा समय लगेगा भाई पेस्ट होने पे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा फाइल में सब कुछ मिक्स कर, मैंने सारी लाइब्रेरी जो है एक ही पेज में कर दी। आप चाहो तो क्या है, अगर आपको थोड़ी नॉलेज है तो आप जीएस की एक अलग फाइल बना सकते हो, उस पर सारा जो डेटा है वो डाल सकते हो, तो आपकी फाइल थोड़ी और लाइट वेट हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे कर लिया सेव थीम, ये सेव थीम हो गई। एक और चीज़ आप कर लेना, ताकि आपका हेडर वेडर ना है, यहाँ पे जाना ये चेंज नया बार में इसको कर देना ऑफ, ये ऑफ कर दिया जा करके। मेरे को हालांकि ब्लॉगर व्लॉगर की कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट थोड़ा बहुत मैंने हल्का सा सीख लिया था कैसे क्या इस तरीके से चीज़ें कर देते हैं, बट मैंने कभी ब्लॉगर में कोई वेबसाइट वगैरह नहीं बनाई है। बट मैं आपको इतना जो उतना मेरे को पता उतना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कर दी भाई इसको सेव थीम। अब मैं इसको आपको एक्शन में दिखाता हूँ ब्लॉगर में। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको यहाँ पर डाला इस तरीके से, और आप देखोगे तो ये प्रॉपर जो हमारी वेबसाइट है ब्लॉगर में खुल ली, और देखो ये ब्लॉगर में भी हमारी जो वेबसाइट बन गई। तो क्या चुटकियों में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है यार, एक पेज में कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया। अब यहाँ पे भी मैं आपको एक्शन में दिखा देता हूँ, मैंने लिखा रोहित कुमार, यहाँ से मैंने करा कॉपी, तो ये जो चीज है देखो यहाँ पे प्रॉपर जो है वो वर्क कर रही है कॉपीड। वहां पे देखो मैसेज भी आया था कॉपीड का, जैसे ही आप दूसरे पे क्लिक करोगे तो वहां से कॉपीड हट करके वहां पे दिखाई देगा। तो भाई ने जैसा बोला था भाई आपको स्क्रिप्ट दे दी है, थोड़ा चैनल में सपोर्ट दिखाओ भाई, वीडियो में भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक आने चाहिए, और ऐसी छोटी मोटी स्क्रिप्ट जो है वो समय समय पर मैं लाता रहूंगा।
और कोशिश करो यार कि थोड़ा चैनल वैनल पर सपोर्ट दिखाओगे, शेयर वेयर करोगे ना, तो क्या है थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। सब्सक्राइबर यार बहुत धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, जबकि कंटेंट मैं अच्छा बना रहा हूँ अपनी तरफ से। जो भी मेरे को जो भी नॉलेज है, जो भी एक प्रीमियम नॉलेज है, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट चलो देखते हैं यार, चलो आज नहीं तो कल तो होगी ही चीजें जा करके, क्योंकि यार मैं एक ही लाइन को फॉलो करता हूँ गीता की, कर्म करो फल की चिंता ना करो। फल आपको किसी ना किसी रूप में मिल ही जाएगा। जो भी आप लोग का प्यार सपोर्ट मोहब्बत मिल रही है ना यार, उसी वही मेरे लिए बहुत है और उसी में ही मुझको मजा आ रहा है। इसीलिए मैं मेरे कोई खास मेरी कोई अर्निंग थोड़ी ना हो रही है यार। अभी आप देख रहे हो कोई व्यूज व्यूज तो ही ना आते, 300 400 व्यूज में क्या अर्निंग होगी। इतना मैं अगर कोई वेबसाइट बनाऊँ ना तो जहाँ अर्निंग हो जाती है। बट क्या है कि यार ठीक है यार, कुछ काम क्या है पैसों के लिए भी नहीं करने चाहिए, कुछ काम क्या है मन की सेटिस्फेक्शन के लिए करने चाहिए, और कुछ काम क्या है बस कर देने चाहिए यार, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। वही करो ना, कर्म करो फल की चिंता ना करो, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए मैंने इतने सारे वीडियो जो है वो डाल डाले हैं ऐसे ही। कोई ऐसा कुछ नहीं कि भाई जब बहुत ज्यादा अर्निंग होगी तभी मैं बहुत ऐसा करूंगा, ये कुछ नहीं है, कर रहे हैं बस ठीक है काम, बिना फल की चिंता करते हो। फल जब मिलना होगा तो मिल जाएगा किसी न किसी रूप में ही। तो ये चीज है ना कि भाई यहाँ पे ये है, आपको मैंने ब्लॉग स्पॉट में दिखा दिया। अब हम बात करते हैं इस तरीके की वेबसाइट का और रैंक कैसे करोगे। देखो भाई, ये तरीके की वेबसाइट को रैंक करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और मार्केट में अब क्या धीमे धीमे कॉम्पिटिशन भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि काफी सारे लोग जो है इस तरीके के वीडियोज बना रहे हैं, तो अब ये कॉम्पिटेटिव हो जाएगा जैसे जैसे ऐसे लोग देखते रहते हैं। तो आप इसमें तभी रैंक कर पाओगे। देखो आप ये सोचो कि यार आप ये वेबसाइट बना के डाल दो आप गूगल में ऐसे ही अपने आप रैंक कर जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। आपको लिखनी पड़ेगी भाई गेस्ट पोस्ट, जितनी ज्यादा हो सके, जो भी आपके भाई लोग हो कहीं से, अगर कोशिश कर सको कि आप लोगों से अगर गेस्ट पोस्ट लिखवा सको, या गेस्ट पोस्ट लिख करके फैंसी फॉन्ट में, जैसे जानते हो फैंसी फॉन्ट कहाँ कहाँ, गेस्ट पोस्ट में आपको क्या लिखना है, ये फैंसी फॉन्ट होते क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, क्या क्या लोगों को बेनिफिट मिल सकता है, उस तरीके के ये जो है। और इवन मैं तो कहता हूँ कि इंस्टाग्राम में भी फैंसी फॉन्ट का एक पेज बना दो, फेसबुक में भी, जितने सोशल मीडिया में हो ना सबके इसके एक पेज बना दो, क्योंकि आप जब आप पेज बनाते हो तो वहां पर आप क्या है अपनी डोमेन नेम का लिंक डालते हो, जो भी आपका वेबसाइट का नाम होता है वो डालते हो, भले ही वो नो मतलब कि वो डू फॉलो बैक लिंक नहीं होते हैं, बट वहां से भी क्या है, वहां से अगर लोग आते हैं तो एक सिग्नल जाता है गूगल सर्च को कि हाँ भाई ये एक सोशल साइट में एक पेज है, वहां से क्लिक करके लोग इस वेबसाइट पे आ रहे हैं, मतलब कि वेबसाइट बढ़िया है। बशर्ते क्या रिटेंशन अच्छा होना चाहिए। अगर कहीं से भी बंदा क्लिक करके आपकी वेबसाइट में आ रहा है तो उसे रिटेंशन, अब रिटेंशन यार अच्छा होगा ही, बंदा यहाँ नाम क्रिएट करेगा, कॉपी करेगा, फिर नीचे जाकर के ये जो लोड मोर वाली चीज होती है ना, ये रिटेंशन बढ़ाने में बहुत काम करती है। भाई बंदा सेटिस्फाई नहीं होगा, फिर लोड मोर करेगा, फिर थोड़ी देर देखेगा कि हाँ भाई क्या यहाँ दिख रहा है, कैसे कैसे फॉन्ट आ रहे हैं, फिर लोड मोर करेगा, तो ये रहता है कि बंदा 1 2 मिनट जो है वो समय वेबसाइट पर बिता लेगा। तो ये लोड मोर लगाना जो है बहुत जरूरी होता है, इससे रिटेंशन जो है वो बढ़ता है। अब ये जो चीज है भाई कि यहाँ पर आपको क्या है सारी चीजें मिल गई, बंदा आ गया। अब कोशिश करो कि जैसे कि जो फ्री गेस्ट पोस्ट वाली साइट है, जैसे कि medium.com हो गया, रेडिट में हो गया, जाके फोरम वाली वेबसाइटों में जब बहुत सारे लोग जो फैंसी फॉन्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कोरा में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे फैंसी फॉन्ट के ऊपर, उन सब चीजों के आप आंसर दो। देखो ये जो साइट है ना, ये बहुत बढ़िया बढ़िया जिन वेबसाइटों की अथॉरिटी अच्छी है, वहां से जितने प्रीमियम आप बैकलिंक क्लिक करके आ पाओगे, देखो जितनी भी टूल वाली वेबसाइट होती है ना, वो उनमें कॉन्टेंट देखो ज्यादा होता नहीं है, ठीक है, तो वो उसको आप सोचो कि कंटेंट के बेस पर रैंक करा लो, कि लोग कीवर्ड सर्च करें कंटेंट के बेस पे वो फटाक से ऊपर आ जाए, तो यार ये चीज देखो आप भूल जाओ। ये इस तरीके की वेबसाइट आपकी तभी रैंक होगी, इसमें आपको डिपेंड रहना पड़ेगा सोशल मीडिया वेबसाइटों पे, और डिपेंड रहना पड़ेगा कि जो दूसरे ब्लॉगर हैं या जो ब्लॉग पोस्ट वगैरह टाइप की लिखते हैं वो आपको गेस्ट पोस्ट देते हैं, या जो फ्री आर्टिकल राइटिंग वाली वेबसाइट होती है, जैसे कि आप medium.com पे आर्टिकल लिख सकते हो, वहां से आप बैक लिंक लोगे जाकर के, और हर सोशल नेटवर्किंग साइट में अपने जो भी डोमेन है उसका पेज जरूर क्रिएट करोगे। अब दूसरी चीज क्या है कि पेज क्रिएट करने के बाद आप इसको जितना ज्यादा हो सके अपने टूल में क्या शेयर वेयर के लिंक लगा देना। मैंने शेयर का लिंक नहीं लगाया, वो बहुत आसान होता है लगाना, ऐड दिस साइट है, वहां पे जाओगे ना तो एक लाइन की स्क्रिप्ट मिल जाती है, वो लगाओगे शेयर के लिंक लग जाते हैं 2 मिनट पे, या आप यूट्यूब में किसी और भी वीडियो देख सकते हो। अगर आप पूछोगे कि भाई शेयर के लिंक कैसे लगाते हैं, तो मैं छोटा सा वीडियो बना करके आपको बता दूंगा, बट बशर्ते आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे इस टॉपिक पे। तो यही सिर्फ मीडियम है इस तरीके की वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। जितनी अच्छी अच्छी वेबसाइट है, आप जितनी टॉप क्लास की वेबसाइट जो है जिनकी अथॉरिटी बहुत अच्छी है, वो जब आपकी वेबसाइट को रिफर करेंगे और डू फॉलो बैक लिंक देंगी, तो ही आपकी वेबसाइट जो है वो धीमे धीमे रैंक करेगी जा करके, ठीक है। और जितने ज्यादा लोग अपनी आपकी वेबसाइट को व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, अलग अलग आईपी से हिट होगी, अलग अलग आईपी से लोग आकर के इसमें समय बिताएंगे, तो ही आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो इंप्रूव होगी। तो आपको मेरे हिसाब से मैंने काफी कुछ जो है बता दिया, स्क्रिप्ट भी दे दी है कैसे रैंक कराना, उसको भी मैंने उसका भी सिग्नल मैंने आपको दे दिया, यही तरीके। और कोई यार और कोई चुटकियों वाला काम तो है नहीं कि मैं आपको कोई
कोई ऐसा रामबाण बता दूं कि भैया ऐसा कर लो तो हो जाए, भाई समय लगता है, वेबसाइट है, कॉम्पिटेटिव मार्केट है, समय लगता है, थोड़ा धीमे से इत्मीनान से चीजें करी जाती हैं और थोड़ा धैर्य से अलग अलग जगह पर वीडियो बनाए जाते हैं। अब यार देखो ना, मैं मेरे को तो बहुत सारा एक्सपीरियंस सारी चीजें, तब भी तो मैं यूट्यूब पर ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे मेरे को अगर कोई रॉकेट साइंस पता होती कि भाई मैं कुछ ऐसा चुटकी दबाऊंगा मेरे कल से इतने सारे सब्सक्राइबर हो जाए, मेरे को भी मेहनत करनी पड़ रही है ना यार, जबकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, काफी नॉलेज भी है मेरे को कि YouTube में किस तरीके से लोग क्या है ग्रो करते हैं, काफी मैंने वीडियोस वगैरह देखे, बट यार समय लगता है यार। तो कुछ यही है, ज्यादा अर्निंग की तरफ मत फोकस करो, फोकस ये करो कि एक ही तरीके वेबसाइट को रैंक करवा दें और थोड़ा सा यूजर को वैल्यू भी प्रोवाइड करें कि हाँ अगर कोई बंदा यहाँ पर आ रहा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा क्या अपनी वेबसाइट पर सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। आज का वीडियो भाई मस्त लगा होगा, जो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था भाई स्क्रिप्ट दूंगा तो स्क्रिप्ट मैंने आपको दे दी है और आई होप आप शायद खुश हो गए होगे और मैं भी खुश हूँ भाई आपकी खुशी में, ये मेरा भी खुशा हुआ है जो भी है ना। तो भाई यही चीजें हैं और समय समय पे जो ऐसी जो भी स्क्रिप्ट होंगी छोटी मोटी टाइप की वो मैं शेयर करता रहूंगा। अब कई सारे लोग मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आप इतना ज्ञान बांट रहे हो, भाई किस तरीके की वेबसाइट इतना कमाती है, आप क्यों नहीं बना लेते हो ना। तो यार देखो ये वेबसाइटें क्या है, मैं बना के बहुत पहले छोड़ चुका हूँ इस तरीके के। मेरे फोकस अब कुछ अलग तरीके की वेबसाइट बनाने की है, मैं एपीआई वाली वेबसाइटें ज्यादा बनाता हूँ, उसमें मुझे ज्यादा मजा आता है, मैं बस इसलिए नहीं बनाता हूँ, ठीक है ना। घर का अपना 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 फ्लेवर होता है, मैंने इन सब चीज़ों पे काम करा है, काम करके मेरा इन सब चीज़ों पे काम करने का उतना मन नहीं होता। मैं कोई बड़े टाइप के प्रोजेक्ट में बनाता हूँ या अपने साइड जो बिजनेस है उस पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करता हूँ, वो साइड बिजनेस थोड़ा अलग तरीके का है, हार्ड कोर बिजनेस है साइड साइड वाला ना, उस पर तो मेरा ये सब चीज़ें बनाने का भी मन नहीं होता है, क्योंकि यार देखो समय तो लगेगा। आप ये सोचोगे कि अगर मैं इस तरीके की वेबसाइट बना भी लूँ जा करके और कल ही रैंक करा लूँ तो वैसा तो मेरे लिए भी, मैं भी कितना भी मेरे को एक्सपीरियंस हो जाए और कितना भी बड़ा धुरंधर हो, जितने भी बड़े भी ब्लॉगर हो जा करके ना, किसी को भी चैलेंज दे देना कि 3 महीने के अंदर रैंक करा दो, नहीं करा पाएगा, समय लगता है, मतलब 5-6 महीने आपको लग जाएंगे, डिपेंड करता है कितना कंपटीशन है उस टूल पे, ठीक है ना। तो समय लगता है, समय दोगे बना के छोड़ दो यार, देखो 10 मिनट में वेबसाइट बना के छोड़ दो यार, और थोड़ा बहुत बीच बीच में काम करते रहना, रैंक हो जाएगी बहुत अच्छी बात है, और नहीं रैंक हुई जाकर के तो नॉलेज तो मिली गई और क्या, और नहीं तो दोस्तों यारों के बीच में ये तो पता नहीं काम आएगा ही ना यार, यार ये देखो मैंने एक वेबसाइट बनाई है, मैंने ब्लॉग बनाया, भाई फॉन्ट यहाँ से जनरेट कर लेना और मैसेज में भेजना या फेसबुक में यूज कर लेना, तुम्हारे दोस्त ही यूज करने लगेंगे, तो चलो बहुत अच्छी बात है, कम से कम तुम्हारे दोस्त तुम्हारा नाम तो याद करेंगे कि हाँ भाई मैं फलाने बंदे ने ये वेबसाइट बना, उसका टूल मैं यूज कर रहा हूँ, ये इसमें ही यार खुशी रखो अपनी और क्या यार, ठीक है ना। चलो भाई आई होप आपको क्या है ज्ञान मिल गया होगा सारा ना, और भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना और लाइक जरूर करा करो यार, तो ही मोटिवेशन मिलती है भाई वीडियो बनाने की और ऐसी स्क्रिप्ट जो है वो शेयर करने की, और भाई ठीक है भाई, और ऐसी और भाई अगर चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम पे वीडियो देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भाई जरूर दबा लेना, भाई बेल आइकन का बड़ा पंगा चल रहा है भाई, नोटिफिकेशन जो सबके पास पहुंच नहीं पाती है तो बेल आइकन भाई जरूर दबा लेना, ठीक है ना, और उससे क्या आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और चैनल को है जो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है भाई। अब मिलते हैं किसी अलग यूजफुल वीडियो के साथ और तब तक के लिए भाई धन्यवाद।